बुधवार की रात झमाझम हुई बारिश ने मानसून के आने की दस्तक दी तो पूरा शहर जलमग्न हो गया। भीषण बारिश से नाले ओवरफ्लो हो गए, जिसके कारण लोगों के दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। घरों और प्रतिष्ठानों में पानी घुसने के कारण जनता में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश दिखा। इस दौरान निजामपुर, कच्ची बाग, मिर्जापुर, लाल डिग्गी, खूनीपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क परिसर सहित शहर के कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी रही। नगर निगम प्रशासन नालों की साफ सफाई का डंका पीटता है, लेकिन नगर निगम के दावों की हकीकत क्या है, यह मानसून की पहली बारिश ने ही दिखा लिया। जल जमाव की स्थिति को देखते हुए महापौर के क्षेत्र के लोग भी काफी आक्रोशित दिखे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा, मैं सुबह नगर आयुक्त को फोन मिलाया, आया नहीं पानी, रात भर बरसा नहीं आया, लेकिन सुबह में जब आया लोड कर रही हम भी फेसबुक व्हाट्सएप सब पे लोड। ये पहला बरसात का पानी है, हर साल ऐसे ही होता है और पूरा पानी एक एक तल्ला डूब जाता है। यहाँ पे कोई पार्षद हो कोई सभासद हो, यहाँ आके झाकी नहीं मरता है, ठीक है। यहाँ के बच्चे जितने हैं उसी में टहलते हैं, गंदगी से बीमार भी पड़ जाते हैं, मगर कोई ध्यान नहीं देता हम लोगों पे, बस वोट से मतलब है। ये नगर निगम की उदासीनता है और कुछ नहीं है, और ये पहली ही बारिश का ये हाल है, और नगर निगम में इतना पैसा आया है, सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। बस समझिए कि एक तरह से ये अपने आप को अधिकारी बंडर बांट कर रहे हैं। वजीउल्ला अंसारी, कभी ध्यान दिया उन्होंने इधर? कभी नहीं ध्यान दिया, झांकी नहीं मारे आते। राजेश कुमार। राजेश जी, कौन सी जगह है? लाल डिग्गी चौराहा। जल जमाव की स्थिति कब से बनी? ये हमेशा रहती है, आज भोर से 3 बजे पानी बरस रहा है। लाल डिग्गी पार्क में जनरेटर पानी निकालने वाला पंपिंग सेट लगा, अभी 10 बजे स्टार्ट हुआ है, बता रहा है कि डीजल नहीं था वहाँ। अब महापौर यहाँ में देखें, कम से कम समस्या का निवारण करें, आके देखें क्या परेशानी है। अजय कुमार केशरवानी। कौन सा मोहल्ला है ये? ये लाल डिग्गी चौक है, बगल में इधर रकाबगंज है, हसनगंज है, ये लाल डिग्गी मेन चौराहे है साहबगंज का, और बगल में मेयर साहब के लड़के की दुकान भी है, उनका भी दुकान जलमग्न है पूरा। यहाँ पर रात में 3 बजे से हम लोग फोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी उठाने को तैयार नहीं है, न सभासद उठा रहे हैं फोन, न मेयर उठा रहे हैं, न कोई अधिकारी। सुबह 9 बजे पंपिंग सेट का ऑपरेटर आया, वो कह रहा सर हमको सुबह 9 बजे सूचना मिली है, तब मैं आया हूँ, उसके बावजूद 10 बजे तक पंपिंग सेट चालू नहीं हुआ। 10 बजे पंपिंग सेट चालू हुआ है तो कुछ राहत हुई है, करीब कई करोड़ रुपए का नुकसान लालडिग्गी वासियों का हुआ है। ये हर बरसात में ही समस्या है, नाले की सफाई क्या होती है, खाली एक नाम खाना पूर्ति कर दिया जाता है, पंपिंग सेट क्या कर दिया जाता है, कागज पे चालू है और उसका डीजल का पैसा बेच के खा जाया जाता है। कभी भी जब पानी बारिश हो तुरंत अगर जो है पंपिंग सेट चालू कर दिया जाता है, जल भरा होगा ही नहीं। और यहाँ घोष कंपनी थी, पहले नाला इधर से जाता था, बहता था घोष कंपनी होते हुए रामगढ़ में जाता था, मिलता था, अब क्या होगा, घोष कंपनी का उल्टा पानी लालडिग्गी बहाया जाता है, 6 फीट के नाले की पानी 8 इंची के नाले से बहाया जाता है, नाली से। तो आप देख लीजिए, किसी भी दुकानदार का ऐसा ना हो कि क्षति न हुई हो, करोड़ों रुपए की, कम से कम कई करोड़ों रुपए की क्षति हुई होगी लालडिग्गी वासियों की। जब ऑर्डर आएगा तब चलाएंगे। कौन सा जगह है ये? लाल डिग्गी साहबगंज। साहबगंज लाल डिग्गी पंपिंग सेट लगा हुआ है, जब तोड़ा गया है तब पानी अंदर जा रहा है,
9 बजे ये लोग स्टाफ जो अधिकारी के आदेश का इंतजार कर रहा है कि अधिकारी आदेश दे तो हम पंपिंग सेट चलावें। 9 बजे तक पंपिंग सेट चालू नहीं किया, जब यहाँ के स्थानीय लोग तोड़े हैं तब जाकर के ये सेट चलाया है और पानी खींचना चालू हुआ। तब तक दुकानों में पानी भर गया, सामान सब नष्ट हो गए। हाँ, सारी दुकानें साहबगंज की डूब गई। मेयर यहाँ के हैं साहबगंज के, उनके मेयर होने के बावजूद भी हम लोग की दुकानों में पानी चला गया, कोई व्यवस्था नहीं उसके बावजूद भी। देख लीजिए एक बार नज़ारा दिखा दीजिए चौराहे का। राजकुमार गुप्ता साहबगंज।